ये है क्राइम हिलोरी न्यूज। क्राइम हिलोरी न्यूज पर खबरों के प्रायोजक हैं बीकानेर स्वीट्स कॉर्नर, बीकानेर स्वाद की शान चौक मुल्तानी ढाणा पहाड़गंज में, और आपकी सेवा में एक बार फिर पहाड़गंज की शान हर दिल का अजीज दरबार रेस्टोरेंट शुद्ध शाकाहारी चौक मुल्तानी ढाणा पहाड़गंज में फ्री होम डिलीवरी। भाग्य दर्पण आरोग्य काढ़ा इम्यूनिटी बूस्टर रखे आपको तरोताजा। बाके बिहारी मंदिर बेसमेंट पहाड़गंज में, साथ ही सभी दवाई की दुकानों पर उपलब्ध। क्राइम हिलोरी न्यूज का असर, नॉर्थ एमसीडी के सफाई कर्मचारियों को मिली सैलरी। ज्ञात हो क्राइम हिलोरी न्यूज पर बीते दिनों सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह न मिलने की खबर दिखाई गई थी। खबर सार्वजनिक होते ही मामले को अधिकारियों ने गंभीरता से लिया, इसका असर देखने को मिला। नॉर्थ एमसीडी के सफाई कर्मचारियों में खुशी का माहौल, सैलरी मिलने की खुशी में खिलाई एक दूसरे को मिठाई, पर थोड़ी निराशा भी है। राखी का त्योहार फीका पड़ा सैलरी नहीं मिलने से, त्योहार बीत जाने के बाद मिली है सैलरी। दिल्ली सरकार से नाराज चल रहे सफाई कर्मचारियों को मिला बकाया वेतन, पर राखी का त्योहार रहा फीका, कारण सैलरी मिली लेट, वो भी एक दिन की भूख हड़ताल और प्रदर्शन के बाद। और अब सफाई कर्मचारियों की मांग है कि दिल्ली सरकार समय पर सैलरी दे ताकि कोई दिक्कत ना हो, और अगर सफाई कर्मचारी नाराज रहेंगे तो दिल्ली सरकार और आम जनता को दिक्कत होती है। इसके लिए सफाई कर्मचारियों की मांग है कि दिल्ली सरकार समय पर वेतन दे। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि जो 30 तारीख को भूख हड़ताल पे आदरणीय हमारे वाल्मीकि चौधरी सरपंच कमेटी हमारे सहयोग करने के लिए हमारे कंधे से कंधा मिला के खड़ी हुई थी, वो आज वो सफल हुई उस मेहनत को, आज हमारी सैलरी अकाउंट में आ चुकी है। मैं बताना चाहूँगा कि ये सोची समझी साजिश हुई है कि इनके त्यौहार को खराब करो, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। जिस टाइम सैलरी होनी चाहिए उसी टाइम हम आगाज कर रहे हैं हमारी सरपंच कमेटी भी, कि आगे अगर सैलरी की मांग रखी तो सरपंच कमेटी हमारे साथ आगे खड़े होगी और सीट बजा देंगे एमसीडी की और दिल्ली सरकार की। सर ये तो हर महीने का नाटक हो गया, जो चीज़ रेगुलर नहीं होनी चाहिए एज पर लॉ, जो चीज़ आपको एवरी मंथ फर्स्ट वीक में मिल जानी चाहिए उसके लिए हर महीने नाटक करना पड़ता है। हमारा समाज बार बार ये सब नहीं कर पाएगा ना, कि जब भी सैलरी नहीं मिलेगी उनके लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। एक चीज़ अभी एक सैलरी आ गई है, दूसरी सैलरी भी उधर, तो दोनों सैलरी इकट्ठी आनी चाहिए। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लॉ है ये, कि आपकी सैलरी डिले हो सकती है बट पेंशन नहीं रुक सकती, चार चार महीने की पेंशन दी है सर। विडो लेडी कहाँ से खाएंगी खाना? कि भाई हमने क्या, हमारी अभी सैलरी दो रुकी हुई है, दो डी हुए, एक और डी हुए, अगर ये खट्टी हमें सैलरी दें और आगे से हमें तो जब ज़्यादा खुशी होगी कि टाइम टू टाइम ये हमारी सैलरी, जैसे हाईकोर्ट ने 7 तारीख को कह रखा है कि भाई इनको सफाई कर्मचारियों को 7 तारीख को सैलरी होनी चाहिए, तो मैं तो यही कहूँगा, मैं तो अपने चौधरियों से भी यही कहूँगा कि भाई सारे चौधरी मिलके पूरे समाज को एकत्रित करो, तो भाई सफाई कर्मचारियों ने ऐसा क्या गुनाह करा है जो उनको टाइम पे सैलरी नहीं मिलती। हम अपने जो डेड जो मरे हमारे उनको, हम इनके बच्चों को पक्की नौकरी चाहिए। अब तक किसी नौकरी 20-20 साल हो गए, किसी नौकरी नहीं मिली, ना उनको पेंशन मिली है ना उनको किसी नौकरी मिली, वो रिटायर होने वाले हैं। अभी पेंशन नहीं आई है, पेंशन देना ज़रूरी है। जो हमारे लोग 35-40 साल सर्विस करके रिटायर हो जाते हैं और पेंशन पे डिपेंड करते हैं, उन लोगों को पेंशन देना अनिवार्य है। पेंशन से ही उनकी रोटी चलती है। अब 60 साल के बाद अमूमन लोग बीमार हो जाते हैं, जिनकी दवा दारू जो है सब पेंशन पे डिपेंड होती है। जब 4-4 महीने 6-6 महीने से पेंशन नहीं मिलेगी तो बुज़ुर्गों का क्या हाल होगा। हमें खुशी तब होती कि तब पेंशन भी हमें साथ साथ मिलती। राजीव कुमार तिवारी, क्राइम हिलोरी न्यूज, दिल्ली। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।